हेलो फ्रेंड्स, बिल्कुल वेलकम करता हूं मैं आपका। आज हम जानने वाले हैं बहुत ही मजेदार चीज। जी हाँ, काइंड्स ऑफ नाउन। आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5? जी नहीं, 4। लेकिन इसको काउंट कर लिया जाए टोटल कितनी होगी? 5। तो हम जानेंगे नाउन के प्रकार। यकीन मानिएगा, इतनी ही सरल है जितनी कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एक हैंड्स में 5 फिंगर्स हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हम मिलने जा रहे हैं नाउन के प्रकार से। तो फिर से बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन। वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक वो बताना है कौन सा प्रकार आपको ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट में आपको बताना है। मैं महेश तिवारी वेलकम करता हूं शिक्षा एकेडमी के आपके अपने फेवरेट चैनल पर। तो आइए चलते हैं। नाउन क्या है? व्यक्ति, वस्तु, गुण, अवस्था, कार्य आदि को नाउन कहते हैं। आप व्यक्ति है, वस्तु है, सेलफोन, गुण है अच्छा होना, गुड मतलब क्रेजीनेस, लेजीनेस, बिजीनेस, तारीफ करना। अवस्था में है, सिंसियर है आप या नहीं है, ऑनेस्टी है कि नहीं, किस अवस्था में है, ये सब नाउन है। पहला है प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन बनता है, आप प्रॉपर कहां के रहने वाले हैं? भाई मैं तो प्रॉपर सागर का हूं, एमपी का हूं। तो सागर कितने हैं? एक ही है ना। एमपी कितने हैं? 1। राइट, कंट्री भारत कितने हैं? एक सिंगल। तो राम कितने हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक है। शिक्षा अकेडमी कितनी है? एक है। सागर सिटी कितनी है? एक है। तो जो व्यक्तिवाचक है, जो एक हो केवल, वो होगा प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन वो जो जातिवाचक, मतलब जो संपूर्ण व्यक्तिवाचक के जाति के बारे में बताए, मतलब सरनेम के बारे में नहीं। जैसे राम क्या है? एक बुआई। शिक्षा अकेडमी क्या है? एक चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसे आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे। जी हाँ। और सागर क्या है? एक सिटी, या आप जिस गांव के रहने वाले हो वो टाउन। तो टाउन तो बहुत सारी है, सिटी तो बहुत सारी है, लेकिन जो आपका गांव है वो स्पेशली यहां पे सिटी या टाउन है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। ऐसा नाम जो सब में कॉमन हो वो होगा कॉमन नाउन, और ऐसा नाम जो केवल एक हो वो होगा प्रॉपर नाउन। यस। फिर है कलेक्टिव नाउन। ऐसा समझ लीजिए कि जहां पर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हम जोड़ देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, टीम बना देते हैं, समूह वाचक हो जाता है। तो शिक्षा अकेडमी की एक टीम है, और आपको कमेटी या ज्यूरी या आर्मी, राइट, बंच, गुच्छा, फ्लॉक, झुंड, ये चीजें जो सबसे मिलके बनी है, ये कहलाएंगी कलेक्टिव नाउन। जी हां। फिर इसके बाद मटेरियल। मटेरियल मतलब पेन है, कॉपी है, ऑयल है, क्रीम है, जो भी चीज हम लगाते हैं मेकअप किट में, वो सारा क्या है? मटेरियल है, चाहे सीमेंट ही क्यों ना हो। तो मटेरियल मतलब द्रव्य। अब द्रव्य में गोल्ड आ गया, गोल्ड, सिल्वर, राइट, वुड, लकड़ी, ये सब क्या है? मटेरियल है। सुगर हो गया, शक्कर है, पत्ती है, राइट। तो ये लीव्स, ये सारी चीजें क्या है? कलर है, इंक है, ये मटेरियल है। तो जो डस्ट है, धूल वगैरह, तो मटेरियल को समझना बहुत सरल है। फिर अब जैसे पेन है, तो पेन के अंदर क्या भरा है? मटेरियल, इंक, ये व्हाइट कलर है तो कलर भरा है। फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक। जी हां, आप जुड़े हैं शिक्षा अकेडमी से, ऑनेस्टी से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अंदर ब्रेवरी है, जी हां, बहादुरी है आपके अंदर, तो आपकी अवस्था, आपका गुण क्या है? बहादुरी। फिर है पॉवर्टी या पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो गरीबी होती है मैन नॉलेज ना होने के कारण, तो वो आपके पास बढ़ रहा है। यूथ, आप यूथ है मतलब आप ओल्ड नहीं है, बल्कि आप ना, आपके अंदर जवानी है। यंग होना अलग बात है, यूथ है, राइट, यंग तो होगा फिर वो एडजेक्टिव, तो यूथ मतलब जवानी है। फिर है सिंसियरिटी। आप जुड़े हैं शिक्षा अकेडमी से, तो उसके अंदर आपके अंदर सिंसियरिटी है, मेरे अंदर आपको पढ़ाने के प्रति, आपके सारे एग्जाम निकलवाने के प्रति सिंसियरिटी है। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगर मेरे हाथ में पेन है और पेन की कंपनी है शिक्षा अकेडमी, तो यह कहलाएगा व्यक्तिवाचक। अब चूंकि पेन तो आपके पास भी, मेरे पास भी, यह कहलाएगा कॉमन सब में। अब पेन का गुच्छा है, पेन की एक टीम है, तो वो कहलाएगी कलेक्टिव। मटेरियल, इसके अंदर इंक भरी है, कलर भरा है, ये कहलाएगा मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है भाई? पेन को लिखने में लेजीनेस आ रही है, ठंड में कौन चलाए, क्रेजीनेस है, बिजीनेस है, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब नीचे देखिए, ऑलवेज प्लूरल। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एरर कैसे आते हैं? एक्चुअली यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये हमेशा रहते हैं प्लूरल। कैसे रहते हैं? प्लूरल, लेकिन वो इनको सिंगुलर कर देते हैं और यहां हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें सिंगुलर नहीं करना है, क्योंकि इनका एस अगर हटा होगी, जैसे मैंने आपसे बोला पेंट, अब पेंट चूंकि 2 लाख के लिए होता है, अगर आप एक कम कर दोगे एस, तो पेंट्स का पेंट बचेगा, तो एक साइड का पैर का कौन पहनेगा? सीजर, कैची है, कैची 200 से होती है, तब तो कटेगा। अगर मैंने एक अलग कर दिया, अब बताओ कैची कैसे कट रही है? आपने गोगल चश्मा लगाया, आपने स्पेक्ट, अब आपने एक अलग कर दिया, अब बताओ कैसा लगेगा वो?
तो क्या सिंगुलर मतलब प्लूरल से सिंगुलर हो सकता है क्या? नहीं ना, बिल्कुल सही। मुझे आपसे यही लॉजिकल आंसर की नीड है या एक्सपेक्टेशन थी। तो ऑलवेज प्लूरल रहते हैं जो टंग्स, चिमटा। अब चिमटा का आप ऐसे रख कर दो तो एक बचेगा, फिर आप अंगारे कैसे पकड़ोगे? फिर सीजर्स, कैची बता दिया मैंने, फैंग्स मतलब होता है फंग्स में डंक होता है जो वो, फाइन। शॉर्ट्स छोटे होते जो पहनते हैं वो एक नहीं हो सकता, पैंट्स जो एस, पजामास। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पजामा तो हिंदी वर्ड से मुझे तो आता है, एक्चुअली पजामा बाजार, बिग बाजार सुना होगा आपने ना कि बिग मार्केट, ये नाम इंग्लिश में एक्सेप्ट हो गए हैं अभी। बाजार, चारपाई, ये कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जिन्हें हमने हिंदी में और इंग्लिश में एक्सेप्ट कर लिया है अभी। ट्राउजर्स, तो ट्राउजर का एस अलग नहीं होगा, ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा और इसमें आर लगेगा ना कि इज। देखो भाई प्लूरल नाउन है तो प्लूरल क्या लगेगी इनमें? वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। फिर है एरियास, आपको पता होगा कि एरियास मिलता है जो जो जॉब करते हैं कहीं पर, तो जो हमारी सुरक्षा निधि होती है, जो पैसा हमारा सेव होता है सिक्योरिटी के तौर पर, एरियास वो भी लगेगा। रिगार्ड्स, आप मैसेज के नीचे रिगार्ड्स जनरली जॉब वगैरह में स्टैंडर्ड लेवल पर फॉर्मल स्टाइल में यूज होता है, रिगार्ड्स लास्ट में लिखा होता है सम्मान में, तो ये हमेशा एस रहेगा। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, मैंने बताया था। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनमें अगर आप चाहें भी तो आप एस अलग करके सिंगुलर नहीं बना सकते। तो आपको इन फाइव काइंड्स ऑफ नाउन का और जो ऑलवेज प्लूरल रहते हैं इनका आपको रिवाइज करना है, राइट करके देखना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है, और सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले आने वाली इंग्लिश इंटरेस्टिंग का नोटिफिकेशन सबसे पहले, और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करने से ना भूलें। और कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जल्दी इंग्लिश का डर होने वाला है दूर, आपके ब्रेन से होने वाले सारे डाउट्स आउट। तो मैं महेश तिवारी मिलता हूं आपसे अंग्रेज चैनल में छुपी हुई अंग्रेज वीडियो में, छुपी हुई और बातों को हम निकालेंगे बाहर, देखते हैं ऐसा क्या पूछते हैं परीक्षा में जो आपसे नहीं बनता। तो जय हिंद, जय भारत। समाज का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए, ये सब हमसे ही है, हमें एक आइडियल सिटीजन बनकर रहना है। थैंक यू सो मच।